Assalamualaikum and welcome to National Cricket Academy, जहां पाकिस्तान के हाल और फ्यूचर को शेप किया जाता है, तरबियत दी जाती है, ट्रेन किया जाता है ताकि पाकिस्तानी बॉयज एट द हाईएस्ट लेवल बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा सके। हम थ्रू आउट द ईयर बात करते रहते हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्या होता रहता है, बहुत सारे सवाल रहते हैं, जूनियर्स के साथ किस तरह काम किया जाता है। इन सारे सवाल के जवाब आज हम आपको इस एक प्रोग्राम में देने वाले हैं। इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी क्या हो रहा है? वेल, अंडर 19 के बॉयज का एक कैंप चल रहा है। ये 6 वीक लॉन्ग कैंप है जिसमें तकरीबन फिलहाल 17 लड़के मौजूद हैं। आगे चल के मजीद लड़के भी इसमें ऐड होंगे। तैयारी हो रही है 2020 में होने वाले ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। लेट्स गेट इनसाइड। इस वक्त नाश्ता हो रहा है अंदर। 7:30 बजे का कॉल टाइम होता है नाश्ते के लिए, 7:30 से 9 बजे तक नाश्ता होता है, उसके बाद ट्रेनिंग का आगाज होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या क्या है, डिटेल्स अंदर चल के बताएंगे आप। Actually feel like a kid in a candy store right now. That's how excited I am. Right, आज के दिन का आगाज NCA में हो चुका है। ब्रेकफास्ट इस वक्त चल रहा है बॉयज़ अंडर 19 के, जो यहाँ पर कैंप का हिस्सा हैं, वो इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं। इनके लिए बीन्स का इंतज़ाम है, बेक्ड बीन्स हैं और साथ साथ बॉइल्ड एग्स हैं। और यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो ऑब्वियसली फ्रेश मिल्क, उसके साथ सीरियल, ब्रेड है, बटर है, जैम है और हनी है। एक प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर नाश्ता यहाँ पर किया जा रहा है। तकरीबन 8 बजे तक नाश्ते का टाइम है, 1-1.5 घंटे का गैप है और उसके बाद 9 बजे बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। लेकिन इस जगह पर जहाँ नाश्ता होता है, दोपहर खाना होता है, यहाँ पर जो इंतजाम संभालते हैं मोहम्मद काशिफ साहब, उनसे भी आपकी बात कराते हैं और उनसे पूछते हैं एक्चुअली इनको मुख्तलिफ मील्स में क्या दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? काशिफ साहब, ये वो एज है जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बीच में है। बिल्कुल सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, पक्के हो गए हैं, लेकिन डिसिप्लिन और फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। नाश्ते की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं सुबह? ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का बॉयल्स एग्स होते हैं, ब्रेड्स है, पॉविच हो गया, बीन्स हैं, जितनी भी टाइट की आइटम्स हैं, ऑयल के बगैर जो उनसे ऑमलेट फ्राइड को सर्व किए जाते हैं। उनकी मुकम्मल क्लासेस होती हैं जिसमें हमारे जो उनसे नेशनल क्रिकेट अकेडमी के डायरेक्टर्स भी हैं, वो भी इनको जो उनसे वो मुकम्मल ब्रीफिंग देते हैं। ये अंडर 16 से हमारे पास आ रहे हैं, कम से कम कुछ भी नहीं तो 2-2 साल हो गए इनको, 2 से 3 साल ये आ गए हैं। माशाल्लाह इनको सबको पता है डिसिप्लिन में क्या करना है क्या नहीं करना, और माशाल्लाह सब बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और सबको इनकी डाइट का भी पता है क्या करना है। बेसिकली हमारे डॉक्टर्स हैं जो इनका डाइट प्लान बनाते हैं और शेफ ने क्या करना होता है सब फिर देख के सबको, फिर डॉक्टर्स चेक करते हैं हर चीज़ है। ठीक है, इन डाइट प्लान्स के चार्ट्स भी होते हैं, वी विल ट्राई टू गेट आवर हैंड्स ऑन दोस चार्ट्स ताकि हम आपको बता सकें कि मुख्तलिफ मील्स किस तरह डिवाइडेड होती हैं। स्पीकिंग ऑफ दीज बॉयज, हम किसी भी तौर पर मदाखलत नहीं करेंगे इनकी ट्रेनिंग में और इनको बिल्कुल डिले नहीं होने देंगे। इस वक्त ब्रेकफास्ट का टाइम कम्प्लीट होने वाला है तो हम बस रैपअप करते हैं और फिर आगे चलेंगे सेशन की तरफ जो कि 9 बजे शुरू होने वाला है। यहाँ नॉर्मली जो इंडोर की पिचेस होती हैं वहाँ पे बाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कई अपनी लेंथ बॉल जो टर्फ पे होता है थोड़ा आगे जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ लेंथ बॉल थोड़ा आगे होता है क्योंकि बाउंस हो रहा है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट करो टर्फ में और ये मैट के ऊपर थोड़ा फ़र्क होता है बाउंस में, इसको जल्दी एडजस्ट करना होता है। पीछे खेल रहा है थोड़ा आगे खिलाओ, स्विंग को समझने के कितना हो रहा है उस लिहाज से लाइन को थोड़ा सा, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, उसके लिए लाइन चेंज करनी पड़ेगी ना। अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा बाहर करते हैं वो कम हो जाता है फिर उसमें ड्राई लग जाए, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर रहो, जहाँ चांस ये हो कि बोल्ड और लेग बिफोर होने का। नेशनल
सिंह क्रिकेट अकेडमी में इस वक्त जो माहौल है वो देखने से ताल्लुक रखता है, यहाँ पर पाकिस्तान के फ्यूचर को संवारा जा रहा है एंड इट्स रियली हार्ट वार्मिंग टू सी ऑल द सीन्स हियर। लड़के मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त इंडोर ट्रेनिंग सेशन जारी है क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से लाहौर में बारिश भी हो रही है तो आउटफील्ड थोड़ी सी वेट है, उस वक्त ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर और NCA के कैंप कमांडेंट मोहसिन कमाल साहब जो इस वक्त फास्ट बॉलर्स के साथ मेहनत कर रहे हैं। खुद अपने दौर के एक बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, इनकी आउटस्विंग डिलीवरीज आज तक मुझे याद हैं। मोहसिन कमाल साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई नो यू रियली बिजी, यू वर्किंग विद द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो कैसे बॉयज़ हैं इस लॉट में? बड़े अच्छे लॉट है ये, और पिछले 2-3 साल से ये इनके ऊपर काम हो रहा है और माशाल्लाह अब तो एकेडमी का इतना बड़ा रोल हो गया है कि एकेडमी जो है लड़कों को जो गाइडेंस देती है यहाँ पे, इनके वो काम आता है कि इनको रूटीन में एक्चुअली करना क्या है। वे 3-4 हफ्ते में प्लेयर नहीं बनाया जाता, एक्चुअली उनको ये इन्हांस करनी होती है कि उनकी सुबह से लेकर शाम तक और सोने तक जो है एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जिससे इनकी ना सिर्फ स्किल डेवलप हो बल्कि इनकी रूटीन्स जो बाकी हैं फिज़िकली मेंटली टेक्निकली टैक्टिकली जो हैं वो ये रूटीन्स जो हैं उनको अच्छा करने के लिए यहाँ पे NCA जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है। लेट्स गेट अ बिट टेक्निकल नाउ, आप इन बॉयज़ से हट के थोड़े से नेशनल टीम के बॉयज़ की भी बात कर लेते हैं। देयर आर प्लेयर्स लाइक हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी, ये सब भी आपके हाथ से निकले हुए हैं, ये सब यहाँ पर मेहनत करते रहे हैं, ये सब भी सर्किट में खेल कर गए हैं तो आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि लोगों को PSL में नजर आते हैं, लोग समझते हैं PSL का प्रोडक्ट है। हैविंग सेड दैट, क्या वजह है कि हसन अली की पेस 7-8 क्लिक्स गिर जाती है? क्या वजह है कि शाहीन शाह आफरीदी, नौजवान लड़का है अभी, उसकी पेस बढ़नी चाहिए? वी हैव सीन प्लेयर्स लाइक जैक कैलिस जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर थे, स्टार्ट आउट विद 120 kph एंडेड आउट विद 140 kph, क्या वजह है कि हमारे बॉलर्स की पेस कम हो जाती है? ये बड़ा एक नेचुरल फिनोमेना है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जो वो स्टैटिक नहीं है, एक लाइन पर नहीं चल रही है, उसमें अप एंड डाउन आते हैं। जैसे अगर आप पीक पे बॉलिंग कर रहे हो तो पीक पे जाके आदमी कई दफ़ा जो है वो ज़्यादा ओवर करने से कई दफ़ा उसका जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हसन और शाहीन अफरीदी दो के वो अभी नए हैं, लेकिन आई थिंक दे विल कम बैक। इट्स अबाउट देम सेल्फ हाउ मेंटली दे कम बैक, और जब वो वापस आते हैं इस किस्म के लोग, अगर वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं जैसा कि आपने जैक कैलिस की बात की है, तो वो फिनिश उनका जो है बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली, दे हैव शोन इनफ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि दे हैव द कैपेबिलिटी एंड दे हैव द स्किल, और अगर ये फॉल डाउन थोड़ा सा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा हो गया है, वो एक्चुअली लेसन होता है उनके लिए। इशू जो हम गुज़िश्ता 2-2.5 साल से करंट अफेयर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के पास नई बॉल कराने वाला बॉलर इस वक्त मौजूद नहीं है। वी स्ट्रगल कि हम नया बॉल किससे कराएं। आमिर ने अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, हम देखते हैं कि हम अमूमन स्पिनर से बॉलिंग का आगाज़ करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं स्पिनर्स पर, बट आर वी वर्किंग ऑन बॉलर्स जो कि नई बॉल से अच्छी गेंद कर सकें, अच्छी लेंथ पर बॉल कर सकें, मूव कर सकें? जैसे आई वॉज वॉचिंग सम ऑफ योर वीडियोज, अमेजिंग लाइक माइंड बॉगलिंग स्विंग, वी नीड बॉलर्स हु कैन स्विंग द बॉल लाइक दैट। क्रिकेट इज अ एक्सपेंसिव गेम, तो मैंने आई कैन सी इन लाहौर के क्लब्स में जब हम जाते हैं तो उनको जब देखते हैं तो लड़कों के पास अगर वहाँ 30 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल कि हफ्ते में शायद एक फास्ट बॉलर को एक बॉल नया बॉल मिलता है या नहीं भी मिलता है। तो ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा इशू है जहाँ से क्लब से और क्लब से फिर रीजन्स में आके लड़के जो हैं वो होते हैं। हमें भी अकेडमी में जब ये लड़के आते हैं अंडर 13 अंडर 16 और अंडर 19 में तो कुछ थोड़ा सा वाइड का इशू होता है, और इशू इसीलिए हो जाता है कि बॉल को स्विंग कंट्रोल जो है थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए होता है। तो यहाँ जितने भी हमारे कैंप्स हुए अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के, तो हमने मोस्टली जितने फास्ट बॉलर्स हैं उनके नए गेंदों के ऊपर तकरीबन 80% जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं।
और फिर नंबर दो जो आप बात कर रहे हैं कि नए बॉल स्पिनर्स को करवाए, वो एक्चुअली स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गया है, स्पेशली T20 में और वन डे क्रिकेट में. वो इसलिए हुआ है कि कुछ चीज़ें ये होती हैं कि एक साइड से, ये भी एक आपको मैं टैक्टिक्स की बात बता दूं कि एक बैट्समैन की बैट स्पीड जो है, एक साइड से अगर कोई 140 किलोमीटर कर रहा है तो उसकी बैट स्पीड जो है वो 140 स्पीड को टैकल कर रही है. सडनली दूसरी साइड से जो है स्पीड 80-85 किलोमीटर आती है, और उसमें स्पेशली स्पिनर्स के पास तो मार्जिन होता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइन लेंथ जो है वो शॉर्ट पिच कर सकें या वो कट खिला सकें. तो उनकी लाइन और स्पेशली जो लेंथ क्रिएट करते हैं वो बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्टी बन जाती है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होता है, अदरवाइज उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि स्पिनर क्यों लगा दी जाती है इसलिए कि बॉलर नहीं. तो आप दोनों साइड से फास्ट बॉलर भी इस्तेमाल कर सकते हो. इवन दो कि कई दफ़ा हमने यहाँ क्लब क्रिकेट में ये देखा है कि दो स्पिनर भी खिला दिए जाते हैं. तो लेकिन सम हाउ यू हैव टू यूटिलाइज फास्ट बॉलर्स, लेकिन ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है. अगले 2 से 3 सालों में इन बॉयज में से कौन से दो ऐसे पेसर्स हैं जिनको हम 2 से 3 सालों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए देख सकते हैं? बड़ा आजकल उसका पीसीबी की साइड पे भी बताया, नसीम शाह का बताया जा रहा है. माशाल्लाह उस लड़के में बड़ी अच्छी एक एबिलिटी है, उसमें बड़ा अच्छा टैलेंट है, और इस लॉट में वो थोड़ा सा सीनियरिटी के लिहाज से थोड़ा सा मैच्योर लड़का भी है. लेकिन अब अगर पाकिस्तान की बात, उसका जो स्ट्राइक रेट है और इकोनॉमिकल रेट और उसकी जो एवरेज है, और अगर इसको उसने मेंटेन किया तो प्रॉबेबली ही हैज़ द एबिलिटी. ये को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट सो फार ये जो है लड़का ऐसा है. उसके अलावा ये अब्बास है लड़का, जिसने अब्बास अफरीदी, इसमें अच्छी कैपेबिलिटी है एक ऑलराउंड बनने की, क्योंकि ये साथ बैटिंग भी अच्छी करता है और बड़ा अच्छा वन डे प्लेयर बन सकता है. इसके अलावा हमारे पास ये अख्तर शाह भी हैं. तो माशाल्लाह होपफुली मेहनत की बात है, यहाँ हम हार्ड वर्क करते हैं, और इफ़ दे कंटिन्यू देयर हार्ड वर्क व्हेन दे गो बैक फ्रॉम हियर एंड परफॉर्म इन द मैचेस, और मेंटली जितना ये ग्रूम करते हैं, सो एज में इसमें आपको कोई नहीं होता है, एज फैक्टर नहीं होता है. एक्चुअली मेंटली जो जल्दी ग्रूम कर जाता है और चीज़ों को वो ग्रैब कर लेता है, तो वो लड़के आगे जाना शुरू हो जाते हैं. साहब बहुत शुक्रिया, प्लेजर टॉकिंग टू यू.